नमस्कार और आप देखते हैं पल पल। इरफान खान के बाद बॉलीवुड को दूसरा बड़ा सदमा। बॉलीवुड के दिग्गज अभिनेता ऋषि कपूर का मुंबई के अस्पताल में निधन हो गया। गुरुवार को 67 वर्ष की उम्र में उनका मुंबई के सर एच एन रिलायंस फाउंडेशन हॉस्पिटल में निधन हो गया। वह 2 साल से कैंसर से लड़ रहे थे। उनके भाई रणधीर कपूर ने बताया था कि बुधवार सुबह ऋषि को हॉस्पिटल में ले जाया गया। उनको सांस लेने में तकलीफ थी। ऋषि की मौत के बाद अभिनेता अमिताभ बच्चन तथा कई बॉलीवुड सेलिब्रिटी ने ट्वीट किए। इरफान खान की मौत के दूसरे दिन ऋषि कपूर का जाना पूरे देश के लिए बड़े सदमे की बात है। सितंबर 2018 में ऋषि कपूर को कैंसर का पता चलने के बाद वह उनकी पत्नी नीतू सिंह के साथ वे न्यूयॉर्क में इलाज करवाने के लिए गए थे। हालांकि उनके परिवार ने लंबे समय तक बीमारी को छुपाने की कोशिश की थी। वहां पर लगभग 1 वर्ष तक उनका इलाज चला। बाद में सितंबर 2019 में वे भारत लौट आए। उनके परिवार ने भी स्टेटमेंट दिया कि हमारे प्रिय ऋषि कपूर 2 साल ल्यूकेमिया से संघर्ष के बाद आज सुबह 8:45 पर हॉस्पिटल में शांति के साथ दुनिया छोड़ गए। डॉक्टर्स और मेडिकल स्टाफ ने बताया कि वह आखिरी वक्त में पूरे स्टाफ सहित वे मनोरंजन करते रहे थे। वे दोनों महाद्वीपों में इलाज के दौरान हमेशा खुश और जिंदगी को पूरी तरह से जीने के लिए उत्साहित रहे। हमेशा परिवार, दोस्त, खाना और फिल्में ही उनका फोकस रहता। जो भी उनके पास जाता उनसे मिलने के लिए वो हमेशा हैरान रह जाता कि कैसे उन्होंने बीमारी को उनकी जीवंतता को नहीं छोड़ने दिया। वे इतनी बड़ी बीमारी होने के बावजूद भी बड़े खुश नजर आते थे। वे अपने फैंस के प्यार के आभारी थे जो पूरी दुनिया में उन्हें मिल रहा था। अब उनके फैंस भी पूरी दुनिया में ये समझ सकते हैं कि उनके जाने के बाद हमेशा खुश रहा जाए, क्योंकि उन्हें मुस्कान पसंद थी। और इस समय वे सब समझते भी हैं कि दुनिया में इस समय मुसीबत भरा और कठिन समय है। इकट्ठे होने पर पाबंदी है और कहीं निकलने पर शक्ति। हम उनके फैंस और दोस्तों को तथा परिजनों के दोस्तों को सभी की तरफ से दरखास्त भी करते हैं कि कानून की पालना करें। ऋषि कपूर मुंबई लौटने के बाद वायरल फीवर की वजह से भर्ती हुए थे। ऋषि कपूर सोशल मीडिया पर काफ़ी एक्टिव हैं। हालांकि 2 अप्रैल से उनके सोशल मीडिया पर कोई भी अकाउंट में एक्टिविटी नहीं थी। दिल्ली हॉस्पिटल में भर्ती होने के बाद ये खबरें आई थी कि उन्हें वायरल फीवर हुआ था। चिंता की कोई बात नहीं है, उन्होंने अपने कैंसर की बात को दबा करके रखा। हालांकि उन्होंने लिखा था कि फैंस को उनका प्यार है और चिंता की कोई बात नहीं है, आप चिंता करते हैं इसलिए आपका शुक्रिया। साथ ही उन्होंने कहा था कि दिल्ली में 18 दिन की शूटिंग है, वहां पर प्रदूषण है, इसके चलते उनको इन्फेक्शन हो गया था। आप देखें पल पल की ये विशेष रिपोर्ट।